बहुत बहुत आप सभी का आपके अपने फेवरेट शो जिसका नाम है कौन बनेगा पद्मा पद्मपति प्रेजेंटेड बाय पावर ऑफ सकाश में हम सभी करते हैं आप सभी का दिल से स्वागत अभिनंदन। बहुत बहुत आप सभी का वेलकम है वेलकम है वेलकम है। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज है मास का तीसरा दिन तो करते हैं कल की मुरली से 3 पॉइंट को रिवाइज। बाबा ने कहा बच्चे जैसे बाप उपकारियों पर भी उपकार करते हैं ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो सुखदाई बनो इस देह को भूलते जाओ। हमें भी करना है अपकारियों पर उपकार क्योंकि बनना है हमें बाप समान इसलिए बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है। फिर बाबा कहते दूसरे पॉइंट बच्चे बाप समान निरहंकारी बन बहुत प्यार से सबकी सेवा करनी है श्रीमत पर चलना है अपनी मत पर चलकर तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। हमें बाप समान निरहंकारी बन बहुत ही प्यार से सबकी सेवा करनी है और श्रीमत पर सदैव चलते रहना है मन मत व परमत के प्रभाव में नहीं आना है। तीसरी पॉइंट कल बाबा ने सुनाई संगम पर बाप द्वारा जो खुशी की खुराक मिली है वही खुराक खाते और खिलाते रहना है अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है बड़े धीरज से गंभीरता से समझ से बाप को याद कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनानी है। बाप हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं बच्चे अपना जीवन हीरे समान बनाओ। जैसे लौकिक में भी माता पिता बच्चे को कहते हैं ना कि अच्छे से पढ़ोगे तो आपका जीवन बहुत अच्छा होगा आपको अपना जीवन बहुत अच्छा बनाना है वैसे यहाँ पारलौकिक पिता हमें समझाते हैं कि हे आत्मा मेरे मीठे बच्चों श्रीमत पर चलो अब पढ़ाई को अच्छे से पढ़ो और अपना जीवन हीरे समान बनाओ। तो चलिए अब इन शिक्षाओं को लेते हुए और बढ़ते हैं आगे। आपको मालूम है आज 3 तारीख को आपके सामने आएंगे आज के मुरली में से 10 प्रश्न जिनका आपको देना होगा सही जवाब। तो 8 प्रश्नों का अगर आप देंगे सही जवाब तो सिल्वर क्राउन मिल जाएगा आपको। 9 प्रश्नों का देंगे सही जवाब तो गोल्डन क्राउन इज योर्स। और अगर 10 प्रश्नों का देंगे सही जवाब तो फिर क्या बात है फिर तो मास्टर मुरलीधर का ताज ले जाएंगे आप। तो चलिए देर नहीं करते रखते सीधे सामने आपके सामने आज का पहला प्रश्न। प्रश्न आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे बाप दादा की याद प्यार लेनी है तो डैश बनो बुद्धि में ज्ञान भरपूर है तो वर्षा करो। 4 ऑप्शन ऑप्शन ए श्रेष्ठ योगी ऑप्शन बी सर्विसेबल ऑप्शन सी निरंतर योगी ऑप्शन डी क्या आंसर होगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए बताते सही जवाब। सही जवाब ऑप्शन डी सर्विसेबल। अगर बाप दादा की याद कर लेनी है तो क्या बनना पड़ेगा सर्विसेबल सर्विस करने के लायक बनना पड़ेगा उसके लिए पढ़नी पड़ेगी पढ़ाई अच्छे से। तो बहुत बहुत मुबारक हो जी पहले प्रश्न का आज के दिन आपने दिया है बिल्कुल सही जवाब और जीत गए 10 पॉइंट्स। तो बहुत बहुत बधाइयां बधाइयां ढेर ढेर मुबारक। चलिए बढ़ते आगे रखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न है शांति स्थापन करना व श्रेष्ठाचार्य दुनिया बनाना यह किसका काम है। 4 ऑप्शन ऑप्शन ए एक बाप ऑप्शन बी शिव बाबा ऑप्शन सी रचनाकार ऑप्शन डी सर्वशक्तिमान। आपका 30 सेकंड का वक्त नहीं बल्कि 15 सेकंड का वक्त शुरू होता है सही जवाब बताने का। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। दूसरा सवाल आपके यूट्यूब स्क्रीन पर है 4 ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं बस आपको बताना है प्रश्न का सही जवाब। वक्त भी हो गया है समाप्त। चलिए बता दें सही जवाब। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए एक बाप। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो बधाई हो। दूसरे प्रश्न का भी दिया है सही जवाब एक बाप को रखा है साथ और बन रहे हैं सफलता मूर्त। तो आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई हो मुबारक हो मुबारक हो। चलिए बढ़ेंगे आगे और रिवाइज करेंगे मुरली। बाबा कहते बच्चे सदा बंधन मुक्त बन भारत की सच्ची सेवा करनी है रूहानी सेवा कर मनुष्य को देवता बनाना है ज्ञान के घमंड में नहीं आना है रूहानी नशे में रहना है
रूहानी नशे में जरूर ले रहना है, लेकिन घमंड में नहीं आना है। बाबा ने आज दी हमें शिक्षा, इसको करना है धारण और बनना है बाप समान। तो चलिए, बहुत बहुत मुबारक है आप सभी को। और अब बढ़ते हैं आगे, रखते हैं आपके सामने तीसरा प्रश्न। प्रश्न, अब हमको वापस जाना है तो किसको याद करना है? चार ऑप्शन, ऑप्शन ए घर, ऑप्शन बी ईश्वर, ऑप्शन सी सत्य, ऑप्शन डी परमधाम। एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। 15 सेकंड का वक्त है। तीसरा सवाल आपके यूट्यूब स्क्रीन पर है विद फोर ऑप्शंस। वक्त हो गया है समाप्त। चलिए बता दी सही जवाब। सही जवाब ऑप्शन ए घर। अब हमको वापस जाना है तो घर को याद करना है, क्योंकि जहाँ जाना होता है उस चीज को याद किया जाता है ना, जिसके पास जाना होता है उसको भी याद किया जाता है। तो बाप और बाप के घर को, दोनों को याद करना है। तो आप सभी भाई बहनों को फिर एक बार बहुत बहुत बधाइयाँ। तीसरे सवाल का देकर सही जवाब, आपने जीत लिए हैं 10 पॉइंट्स। तो बहुत बहुत मुबारक हो जी, मुबारक हो, बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी ने। अगर 3 प्रश्नों का लगातार दिया सही जवाब तो आपको तो मालूम है आप 30 पॉइंट्स जीत चुके हैं। अब आप 50 पॉइंट्स दूर हैं सिल्वर क्राउन से। तो ऐसे ही धैर्यता के साथ खेल खेलिए और देखिए चौथा प्रश्न जो आपके यूट्यूब स्क्रीन पर आने वाला है, और देना है आपको इसका भी सही जवाब। प्रश्न है, दुनिया में थोड़ी किसको पता है कि पुरानी दुनिया क्या हो जाएगी? चार ऑप्शन, ऑप्शन ए विनाश, ऑप्शन बी परिवर्तन, ऑप्शन सी खत्म, ऑप्शन डी स्वर्ग। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो 15 सेकंड का वक्त है। चौथा प्रश्न है, चलिए बता दें सही जवाब। जैसे वक्त खत्म हो गया वैसे ही इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी खत्म। दुनिया में थोड़ी किसको पता है कि पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो आप सभी भाई बहनों को फिर एक बार ढेरों ढेर बधाइयां, मुबारक, डबल बधाइयां कि आपको ये बात पता है, और दूसरी बधाई कि आपने जीत लिए हैं 10 पॉइंट्स। तो बहुत बहुत मुबारक हो जी, मुबारक हो, ढेरों ढेर बधाइयां, बहुत बहुत बधाइयां, 10 पॉइंट्स आपके नाम, और 4 प्रश्नों का दिया सही जवाब तो 40 पॉइंट्स। तो आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। चलिए अब बढ़ते आगे, रिवाइज करते हैं। मुरली बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि बन, पहले अपनी अवस्था पक्की करनी है। देह सहित जो कुछ देखने में आता है उनसे तोड़ना और एक बाप के साथ जोड़ना है। निश्चय बुद्धि बनना है अब, तभी अवस्था पक्की होगी, क्योंकि निश्चय ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। बनना है हमें निश्चय बुद्धि। तो हम सभी ने ली ये मुरली से शिक्षा, और अब बारी है आगे बढ़ने की और देखने की। पांचवा प्रश्न, प्रश्न, अब तुम बच्चों को क्या बनना है, इसमें मेहनत है। चार ऑप्शन, ऑप्शन ए आत्मविमानी, ऑप्शन बी कर्मातीत, ऑप्शन सी निर्विकारी, ऑप्शन डी निरहंकार। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पांचवा प्रश्न आगे आपके YouTube स्क्रीन पर। चार ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, आत्मविमानी, कर्मातीत, निर्विकारी, निरहंकारी। वक्त भी हो गया है समाप्त। चलिए बताते सही जवाब। सही जवाब है ऑप्शन ए आत्मविमानी। तो आप सभी भाई बहनों को फिर एक बार ढेरों ढेर बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। देखिए हो रही है वर्षा पुष्पों की वतन से, क्योंकि आपने 50% खेल खेल लिया है। तो बहुत बहुत मुबारक हो, 10 पॉइंट्स जीत लिए। हो सकता है अभी तक आपके पास 50 पॉइंट्स भी हो गए हो, तो उसके लिए भी बेहद मुबारक है जी आप सभी को। वतन से भी पुष्पों की वर्षा हो रही है, बाबा भी खुश है, खुशी में पुष्पों की वर्षा करता रहता है। बाबा के दिल की दुआएं, अरे भगवान के दिल की दुआएं जिसको मिल रही हूँ उसको और क्या चाहिए होगा, इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है। तो आप सभी को भी है अपने भाग्य पर नाज, बिल्कुल अवश्य होगा। आप सभी बहुत महान आत्मा है, सदा याद रखना मैं एक अति महान आत्मा हूँ। मेरा हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म श्रेष्ठ हो, महान हो। चले बढ़ेंगे आगे, रखेंगे सीधे आपके सामने छठवां प्रश्न। प्रश्न, ये अवस्था पक्की तब हो जब पहले ये निश्चय हो कि हमें कौन पढ़ाता है। चार ऑप्शन, ऑप्शन ए भगवान, ऑप्शन बी शिव बाबा, ऑप्शन सी सुप्रीम टीचर, ऑप्शन डी परमपिता परमात्मा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। छठवां प्रश्न, चार ऑप्शन, ऑप्शन ए भगवान, ऑप्शन बी शिव बाबा, ऑप्शन सी सुप्रीम टीचर, ऑप्शन डी परमपिता परमात्मा। ये अवस्था पक्की हो जब पहले निश्चय हो कि कौन हमको पढ़ाते हैं। वक्त समाप्त हुआ। चलिए बता दें सही जवाब, ऑप्शन डी परमपिता परमात्मा। दुनिया में कभी किसी को ख्यालों में भी नहीं आया होगा कि परमपिता परमात्मा आकर शिक्षक बन हमें पढ़ाई पढ़ाएंगे। देखिए हम कितनी भाग्यवान आत्माएं, गॉडली स्टूडेंट्स बने हैं, स्वयं गॉड हमें पढ़ाते हैं ये गॉडली पढ़ाई। तो बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी को, दिया है आपने छठवें प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब और जीत गए 10 पॉइंट। तो बहुत बहुत मुबारक हो जी, मुबारक हो,
ढेर और ढेर बधाइयाँ, दिल की दुआएं आप सभी के लिए है, आप सभी के लिए है। चलिए अब करते हैं मुरली को रिवाइज। बाबा कहते बच्चे आत्मिक स्थिति में स्थित रहे, अपने रथ द्वारा कार्य कराने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। तो ली हमने मुरली में से शिक्षा, बारी आगे बढ़ने की। याद करते हैं, रखते हैं आपके सामने सातवां प्रश्न। प्रश्न है, बाप कहते हैं मामी कम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के डैश होंगे। चार ऑप्शन, ऑप्शन है माया के तूफान खत्म होंगे, ऑप्शन बी गुणवान होंगे, ऑप्शन सी विकर विनाश होंगे, ऑप्शन डी पाप भस्म होंगे। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। सातवां प्रश्न है, थोड़ा सा लंबा। बाप कहते हैं मामी कम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के डैश होंगे। चार ऑप्शन भी आपके सामने है, बताना है सही जवाब। और वक्त तो हो गया है समाप्त, तो अब वक्त समाप्त होने के बाद आप आंसर नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं सही जवाब। सही जवाब ऑप्शन सी विकर विनाश होंगे। बाप कहते हैं मामे कम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर विनाश होंगे। तो आप सभी भाई बहनों को फिर एक बार बधाइयां जी, ढेरों ढेर मुबारक है कि आपने दिया है इस प्रश्न का भी बिल्कुल सही जवाब और जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स लगातार। अगर आपने करा होगा कमाल और दिया होगा 7 प्रश्नों का सही जवाब, तो अब तो आप दूर हैं सिर्फ एक प्रश्न से। और फिर अगर एक प्रश्न का भी और दे दिया सही जवाब, तो आप जीत जाएंगे सिल्वर क्राउन। 2 प्रश्नों का सही जवाब दिया तो गोल्डन क्राउन, और 3 प्रश्नों का अगर लगातार और दे दिया सही जवाब, तो मास्टर मुरलीधर का ताज तो फिर है आपका। तो बहुत बहुत बधाई हो जी, बधाई हो, ढेरों ढेर मुबारक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, रखते हैं 8वां प्रश्न। प्रश्न है, कौन कहते हैं हम तुमको इस दुख से छुड़ाए सुख धाम में ले चलेंगे। चार ऑप्शन, ऑप्शन ए शिव साजन, ऑप्शन बी माशुक, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी सर्वशक्तिमान, ऑप्शन डी सुप्रीम आत्मा। ऑप्शन ए शिव साजन, ऑप्शन बी माशुक, ऑप्शन सी सर्वशक्तिमान, ऑप्शन डी सुप्रीम आत्मा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समाप्त हुआ 8वें प्रश्न का सही जवाब बताने की बारी आ चुकी है। बताते सही जवाब। सही जवाब है शिव साजन। यह शिव साजन कहते हैं हम तुमको इस दुख से छुड़ाए सुख धाम में ले चलेंगे। तो आप सभी भाई बहनों को फिर एक बार बहुत बहुत बधाई हो जी, 8वें प्रश्न का दिया सही जवाब, जीत गए 10 पॉइंट्स। और अगर आपने जीत लिए हैं 80 पॉइंट्स, तो स्क्रीन पर डिस्प्ले होने वाला सिल्वर क्राउन हो गया है आपके नाम। तो बहुत बहुत बधाई हो सिल्वर क्राउन अपने नाम करने के और 10 पॉइंट्स भी अपने नाम करने के। बहुत बहुत बधाइयाँ भर ली हैं आपने इतनी सारी दुआओं से अपनी झोली, अब थोड़ी सी और भरी ज्ञान रत्नों से। चलिए रिवाइज करते हैं मुरली। बाबा कहते हैं बाप दादा की याद कर लेनी है तो सरसिबल बनो, बुद्धि में ज्ञान भरपूर है तो वर्षा करो। तो आप सभी ने ली मुरली से भी शिक्षा। बारी है 9वें प्रश्न को आपके सामने रखने के। प्रश्न है, क्या बन पहले अपनी अवस्था पक्की करनी। चार ऑप्शन, ऑप्शन ए मास्टर ज्ञान स्वरूप, ऑप्शन बी शांत स्वरूप, ऑप्शन सी रूह गुलाब, ऑप्शन डी निश्चय बोधि। और आपका 15 सेकंड का वक्त शुरू होता है सही जवाब बताने का। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये प्रश्न तो आपके लिए बहुत सहज है क्योंकि इसको हम पॉइंट के रूप में रिवाइज भी कर चुके हैं। बोनस प्रश्न है आपके लिए। वक्त हो गया है समाप्त। चलिए बता दीजिए 9वें प्रश्न का सही जवाब। लाइन से आ रहे थे यूडो कमेंट बॉक्स में भी एक ही उत्तर, निश्चय बुद्धि, निश्चय बुद्धि। तो आपको बताते हैं इस प्रश्न का सही जवाब है ही निश्चय बुद्धि। कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती, आप सभी ने पाई है विजय बिल्कुल निश्चय रखते हुए। तो आप सभी को हम देते हैं फिर एक बार ढेरों ढेर बधाइयां, साथ ही साथ 10 पॉइंट्स। और अगर आपने 9 प्रश्नों का दिया सही जवाब अभी तक, तो स्क्रीन पर डिस्प्ले होने वाला गोल्डन क्राउन हो गया है आपके नाम। तो डबल बधाइयां जी, बहुत बहुत मुबारक है। चलिए इसी के साथ बढ़ते आगे, रखते हैं आपके सामने आज का अंतिम प्रश्न। प्रश्न है, बाप के संस्कारों को अपना क्या बनाने वाले, व्यर्थ और पुराने संस्कारों से मुक्त भव। चार ऑप्शन, ऑप्शन ए दैवी संस्कार, ऑप्शन बी ज्ञान, ऑप्शन सी निजी संस्कार, ऑप्शन डी सतयोगी संस्कार। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो अंतिम प्रश्न है आपके सामने, अंतिम बार आपको जवाब देने का मौका है आज के दिन में। वक्त समाप्त हो गया है। चलिए बताई देते हैं आज के इस अंतिम प्रश्न का सही जवाब। सही जवाब ऑप्शन सी निजी संस्कार। तो आज के मुबारकबाद लेने के लिए आपको चलना पड़ेगा शुभ शुभ वतन। जल्दी जल्दी पहन लीजिए फरिश्ता ड्रेस, विद इन अ सेकेंड फरिश्ता ड्रेस पहन के पहुंच जाइए सूक्ष्म लोक।
आप सभी सूक्ष्म लोक में उपस्थित हो गए हैं अपने सूक्ष्म शरीर में फरिश्ताई ड्रेस में चमचमाते हुए जगमगाते हुए। आज आप सभी के सामने विराजमान है सूक्ष्म रूप में दादी जानकी, दादी प्रकाशमणि और दादी गुलजार। तीनों ही आपको दे रही है बहुत ही पावरफुल दृष्टि। अनुभव करें, फील करें, दादियों से पावरफुल दृष्टि आप सभी पर पड़ रही है। आप सभी भरपूर होते जा रहे ज्ञान रत्नों से, शक्तियों से, गुणों से, वरदानों से। बहुत बहुत आप सभी को दादियों की तरफ से मिल रही बधाइयां। देखिए अब दादी जानकी ने सिल्वर क्राउन जीतने वाले भाई बहनों को पहना दिया है। सिल्वर क्राउन, गोल्डन क्राउन जीतने वाले को दादी गुलजार ने पहना दिया है गोल्डन क्राउन। और मास्टर मुरलीधर का ताज ले जाने वाले दादी प्रकाशमणि से पहन चुके हैं ये ताज और बन चुके हैं ताजधारी। कितना सुंदर अलौकिक नजारा है ये, सिर्फ संगम पर ही अनुभव करने का मौका मिलता है। बहुत ही वंडरफुल, आप सभी को इतनी सारी ढेर सारी दुआएं मिली हैं दादियों की तरफ से, बाबा की तरफ से, तो बहुत बहुत बधाइयां जी, ढेरों ढेर मुबारकें। दादियों से लगातार पावरफुल दृष्टि आप सभी को मिल रही है। आप सभी भरपूरता का, संतुष्टता का, संपन्नता का एहसास कर रहे हैं। चलिए अब इसी के साथ इतना भरपूर होने के बाद लौट आइए अपने स्थान पर और अब हमें दीजिए इजाजत। हम कल आपसे फिर मिलेंगे आपके अपने फेवरेट शो में जिसका नाम है केबीपी कौन बनेगा पद्मा पदम पति, प्रेजेंटेड बाय पावर ऑफ सकाश। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल और हमसे कल मिलने जरूर आइएगा, फिर खेलेंगे साथ में सुंदर सा खेल। अच्छा, ओम शांति, गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर।